आपको 22 करोड़ रात्रि में लेटना है, लेटते 22 करवट आप लेटे हुए हैं और आपको उठने का तरीका बता रहा हूं किस तरीके से उठना है यदि आपको अपने दिन को सफल बनाना है। आपकी नींद खुली, नींद खुलते ही आपको आंखें कैसे खोलना है ये बहुत चमत्कारिक चीज होगी। क्योंकि वहीं रख दो, यहां पर मेरे पास रखो। कई लोगों का स्वर मैनेज नहीं होता कुछ बाहरी कारणों से, वो अपने पास जिस दिन आपको कोई बहुत शुभ काम करना हो ना, बहुत महत्वपूर्ण कल दिन अच्छा बनाना हो, तो उस दिन अपने पलंग के नीचे तो डालना ही, पलंग के चारों तरफ सांस को रोक करके इच्छा को रख करके, इच्छा जो इच्छा कल मुझे कोई काम बनाना है। एक वकील साहब थे, चले गए क्या, वो बैठे हुए हैं। एक मेरा काम रुका हुआ था, मैं उनके पास ही नहीं गया। करीब करीब वो 14-15 वर्ष पुराना था, मैं चाहता था वो केस स्टडी सुनाते, मैं उनके पास नहीं गया। बस मैंने इच्छावश रखी, मनोवांछित किया, बहुत टिपिकल था वो, एक बार में हो गया। उनको देख करके लगा वो इसलिए सुबह आए भी थे, वकील साहब पीछे बैठे थे। आप, मैंने बस यही प्रोसीजर की थी, आपको बता दे रहा हूं। रात में सोने से पहले आप सरसों को लीजिए, उस हाथ में लीजिए जो स्वर चल रहा हो, जो स्वर चल रहा है। जैसे अब बच्चे का सुबह एग्जाम है तो प्रतिदिन अपने पलंग के चारों तरफ जरा से, कोई जरूरी नहीं है, आपने यदि मुश्किल से 10 दाने लिए हैं पर्याप्त है, उसके चारों तरफ डाल लीजिए। और आप थोड़ा सा तकिया के नीचे भी रख लीजिए और आप पिलो के नीचे रख करके आप सो गए। बाई करवट आप लेट गए हैं। अब आप जब भी आपकी आंखें खुलेंगी, आंखें खोलने के पहले, आंखें खुलती हैं या मन जागता है? मन जागता है पहले। मन ने देखा, नाक को देख लीजिए, कौन सा नोस्टिल चल रही है, जो दिख रही हो, जो चल रही हो, आपको आंखें उस दिशा में खोलना है। आपने जो इच्छा लेकर के आप सोए थे, सोने का तरीका क्या होगा, कोई भी इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, जैसे मेरा वो सामान जो छूट गया था, मैं लेटा, मैंने 5 बार खींचा, क्योंकि मेरी नाड़ी बहुत शुद्ध थी तो सुबह हो ही नहीं पाई, उसके पहले ही वो काम बन गया। मैंने तो ये सोचा था सुबह मेरा सॉल्यूशन मिल जाए। और आप उस इच्छा को इनहेल कर लीजिए पूरी तरह से। आपने इनहेल कर लिया और उस दिशा में देखिए जिस दिशा में आपका स्वर चल रहा है। सबसे पहले यदि लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड, और राइट चल रहा है तो राइट साइड। और आप बस देख करके, उसी हाथ का सपोर्ट दे करके उस दिशा में देखते हुए, और आप उठेंगे और उसी पैर को मोड़ेंगे, फिर दूसरा पैर मोड़ेंगे। आपको सबसे पहले जो मन में सोचा था कारी, वो कारी इंप्लीमेंट होते हुए देख लीजिए। बस दूसरा स्टेप, आप इस पहले इस नंबर इस बॉडी का पूरा सुरक्षा कवच बनाइए, वो सभी को बनाना आता है, यूट्यूब पे मेरा डला हुआ है। लास्ट यदि जिनको रमोकार मंत्र नहीं आता, वो ओम ओम 5 बार पूरे शरीर को ओम से कर ले, कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। वैसे भी रमोकार मंत्र किसी का नहीं है, सर्व जगत का है, किसी का पर्टिकुलर नहीं है। उसमें जितने शुद्ध प्योर सोल की आत्माओं को नमस्कार किया गया है, तो उससे आप सुरक्षा कवच बना लिया। अब इसके बाद आपको अब दिन को सफल बनाना है। आपने देखा बैठे बैठे कि आज तिथि तीज है, शुक्ल पक्ष है आपका, चंद्र स्वर इतना चिल्ला रहा हूं, चंद्र स्वर कैसे आएगा, चतुर्थी हो रही है, मेरा चंद्र स्वर आ रहा है, और आज सूर स्वर, ईमानदारी से तो अभी सूर आ रहा है। चंद्र स्वर की थी आज तिथि,
लेकिन मेरा नहीं आया, मतलब मुझे एक पहला पाथफाइंडर एक संकेत मिला कि आज का दिन उतना बढ़िया नहीं है। इस दिन को अच्छा करने के लिए, इस दिन को सुपर बनाने के लिए हमने अभी हार नहीं मानना है। स्वर आपको इसलिए बताता है कि आप स्वर को ठीक करके आप अपने कार्य को सफल बना लो। तो आपको जो स्वर चल रहा है उससे ही आपको सांस को, पहले तो आपको वही पैर जमीन पर रखना है उसी दिशा में। अब लेफ्ट, अभी कुछ नहीं देखना किस दिशा में है, कहीं भी पैर जमीन पे लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पैर को जमीन में तेजी से रख देना है और फिर उसी पैर को उठा करके आगे बढ़ लेना। ये हुआ साधारण तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं फिर से। पहला स्टेप जब आप सोके उठे, नहीं पहला वाला स्टेप जो मनोवांछित था वो ये है कि आप जिस तरफ जो स्वर चल रहा था उस तरफ आप फेस करेंगे, चेहरा आंखें उस तरफ खोलेंगे या चेहरा उस तरफ करेंगे मोड़ेंगे तो आंखें खुलेंगी ही। आंखें खुलेंगी तो जो आपने गोल या जो आपने मनोवान इच्छा रखी थी सोने में, जो सोचा था कोई भी एक्स वाई जेड, किसी के हेल्थ स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आपके बच्चे का प्रमोशन या आपके बच्चे का आईएएस में सिलेक्शन हो जाए, जो भी, उस इच्छा को इंप्लीमेंट होते हुए उसी डायरेक्शन में आपको पुनः होते हुए दिखना चाहिए कि ये हो गया, रिजल्ट खुला हुआ दिख गया, ठीक है। फिर आपको जो स्वर चल रहा है वही पैर जमीन पे। अब मेरा तिथि का स्वर देखा तो तिथि जो थी वो थी चंद स्वर की, लेकिन मेरा आ रहा है सूर, तो वो कौन सा पैर रखेंगे? जो चल रहा है रखना तो चाहिए था हमें चंद, लेकिन चल रहा सूर, तो हम पहले पैर रखेंगे सूर वाला। अब आप कहेंगे गड़बड़ हो गया, आप लोग बहुत सीधे हैं, कुछ पूछ नहीं रहे कि स्वर में इतना बड़ा जादू क्यों है। ये बताइए, आपने अभी स्वीकार किया था सुबह की क्लास में कि सांसें हैं तो सब कुछ है, ये स्वीकार कर लिया था, एक बार छोड़ दो। अब हमारी सांसें राइट साइड हैं तो राइट साइड हमारा क्या है? प्राण है, करंट है। यदि हम अपने दिन की शुरुआत डेड बॉडी से कर लेंगे, वर्क इज डेड माइंडेड, आपका पूरा दिन बेकार चला जाएगा, क्योंकि आपने डेड पैर से, जहां पर करंट ही नहीं था, जहां पर प्राण ही नहीं थे, जहां पर सक्सेस सफलता ही नहीं थी, हमने पहले असफलता का कदम बढ़ा दिया। सफलता रूपी कदम आपको बढ़ाना है। दीदी आगे आ जाइए ना, चंद स्वर वही तो कह रहा हूं, आप नहीं समझ रहे। चंद स्वर चल रहा मेरा और सूर का पैर रख दिया, वर्क इज डेड, और भी बुरा कर लिया। जैसे आज दिन था मेरा चंद स्वर का और मैंने बहुत होशियारी की, मैं तो क्या करता हूं वही पैर रख देता हूं, भले नहीं आया तो और ज्यादा लॉस इनटू लॉस। आपने डेड बॉडी से वर्क स्टार्ट, अब इसमें जादू क्या होता है? देखिए, ये समूची सृष्टि जो है पांच तत्वों से बनी है, फाइव एलिमेंट, कंपोज्ड ऑफ फाइव एलिमेंट, बॉडी फाइव एलिमेंट से कंपोज्ड है। अब आपने इससे आप अपने आप को और आपने अर्थ को सिंक्रोनाइज करते हैं, दोनों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं कि वह आपके लिए सपोर्टिंग के रूप में काम करने लग जाए, आपके लिए सपोर्ट करे। और यदि आप एंटी, मतलब उसके अपोजिट डेड पार्ट को रख दोगे, जैसे आप जिस में करंट नहीं बह रहा जिस केबल में, उसको लगा दोगे, उसमें आप होल्डर जोड़ करके बल्ब लटका दोगे, लड्डू जल जाएगा? नहीं जलेगा ना, तो फिर आप उसको क्यों जलवा रहे? कैसे जलेगा? कोई दुनिया की कोई ताकत कुछ भी कर लेना। तो आज से हम क्या संकल्प लेते हैं
कि हम डेड बॉडी के साथ दिन की शुरुआत नहीं करेंगे, डेड बॉडी के साथ शुरुआत, क्योंकि हमारा पार्ट, आधा पार्ट डेड रहता है और आधा पार्ट में आपके जहां पर करंट होता है, तो उस करंट के साथ दिन की हमें शुरुआत करना है। अब इतना ही नहीं, थोड़ा आप एक्टिव हो जाओ, जब आपको ऐसा लगे कि मुझे चाय पीना है तो तालियों की चाय पी लेना, या उठ के जाना, आप लोग रेडी रखवाना और सिर्फ 5 मिनट में ही चाय पी के आना। डाल दी मैम, एक काम करो, सब अभी जो भी क्वेश्चन है ना लिखते जाओ, लास्ट में पूछना, क्योंकि बहुत मिस कर जाएंगे अपन, बहुत, अब एक से एक चीजें आने वाली। अभी तो आप टूल समझ रहे हैं, 3 दिन इसके लिए बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है। जब हम 15 घंटे अब आज के बाद पढ़ेंगे, तब कल से 15 घंटे। आपने पहला सिस्टम किया कि साधारण दिन को, अब आपको कोई दिन अच्छा है, यात्रा अच्छी करना है, कहीं आपके लिए कोई बहुत एग्रीमेंट करने जाना, सौदा करने जाना, या कोई विशेष मूवमेंट में जाना है, और उस दिन आपको अच्छा दिन चाहिए, तो आप क्या करोगे? उठोगे आप उसी तरीके से सोते हुए, और उठ करके आप सबसे पहले स्वर चल रहा है उसी दिशा में, उसी तरफ करवट, जैसे इस तरफ भी करवट लेने के पूर्व आप देख लें, और कभी भी आपको चित्त सहन नहीं करना है, ऐसे सोते ना आप, ऐसे कभी भी मत सोया करें, ऐसे लोग हृदय के रोगी हो जाते हैं। मुझे वैसे इन सब की जरूरत नहीं है, कभी भी ऐसे नहीं सोना चाहिए। जितने लोग भी बाई करवट सोते हैं वो कभी भी हृदय रोगी हो, हार्ट की डिसीज उनको हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अब आपने इसी हाथ को सपोर्ट करते हुए, इस दिशा में मुख करते हुए, अब यदि मेरा आ गया, अब तो चंद्र, चंद आया, जो आया है स्वर, उस पैर को ऊपर रखेंगे, इसको दबा देंगे। क्यों? जो दबेगा वो दबेगा, जो ऊपर रहेगा वो ऊपर रहेगा, वो चलता रहेगा, तो आपका आसन ऐसा हो जाएगा। आसन ऐसा होने के बाद, अब यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो आपकी डायरेक्शन जो होगी वो कदम रखे जाएंगे, क्योंकि दिन को बहुत बढ़िया मंगलकारी बनाना है, कार्य को सफल करना है, तब ऐसी स्थिति में आप पैर रखेंगे चंद्र स्वर में, सिर्फ साउथ में या बेस्ट डायरेक्शन में। आप लोग चलाते जाइए पीपीटी, जिससे उनको दिखेगा भी, पैर रखेंगे आप साउथ में या बेस्ट में। चलिए अब और भी ज्यादा बढ़िया करना है आपको, कि नहीं इतने में भी नहीं, मुझे तो बहुत बढ़िया काम ऐसा करना है कि बिल्कुल एक बार में। कभी कभी आप देखते ना कि आज तो समझ में नहीं आया, मैं उनके पास गया, 1 मिनट में मेरा काम हो गया, और कभी कभी 8 दिन तक फटकते रहते, काम ही नहीं बनते, बनता ही नहीं है काम। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उस दिन जब आप पहला कदम जमीन पर रखोगे तो उसकी दिशा, यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो साउथ या वेस्ट में कदम रखोगे। अब क्या नहीं है साहब, हमें तो अब 1% चांस नहीं रहना है जिससे मिलने जा रहा हूं, 1 साल से मीटिंग को टाइम नहीं दे रहा, आज मिला है तो काम हो ही जाना चाहिए। तो आप इसमें रखेंगे कदम, 2 कदम, 4 कदम या 6 कदम। इसमें ऐसा माना गया है जितने ज्यादा कदम रखोगे आप उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। तो हम कम कदम क्यों, ज्यादा कदम रखें, क्योंकि अभी हम ज्यादा रखवाते, फिर अभी तत्व पढ़ाएंगे तब कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हम ज्यादा कदम रखते हैं, चंद्र स्वर में हम रखेंगे 2, 4 या 6। यदि हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, राइट चल रहा है, तो हम डायरेक्शन रखेंगे नॉर्थ और ईस्ट। कदम कितने रखेंगे? 1, 3, 5। क्लियर बच्चों? क्लियर नहीं? नॉर्थ, यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, तो आपको रखना है
2, 4, 6 और राइट चल रहा है तो 1, 3, 5, 7, ठीक है ओके। डायरेक्शन ऐसे याद कर लो, उल्टा स्वर उल्टी दिशा, सीधा स्वर सीधी दिशा, नॉर्थ और ईस्ट, उल्टा स्वर मतलब उल्टी दिशा मतलब साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। अब हमने देखा मेरा चंद्र चल रहा है, कभी भी जब भी पहला कदम रखो जितनी ऊर्जा के साथ रखोगे उतनी सफलता प्राप्त होगी। मरे मरे से कदम मत रख दो ना, बिल्कुल पूरा, लेकिन इतना तेज मत रख देना कि हड्डी तोड़ दो। इस कदम को आपको, सांस को अब कौन सा कार्य है, मानसिक कार्य, स्वास्थ्य संबंधी, तो सांस को वहां ले जाकर के होल्ड रखोगे। अब मैं इसके बाद नॉर्मल कदम रखना प्रारंभ करूंगा, ठीक है। मैंने कितने कदम रखे, 4 कदम, ठीक है ना। तो आपको चंद्र स्वर में आपको 4 कदम रखना है और हर कदम में अपनी इच्छा को खींचते जाना है, जो भी इच्छा चाहते हो, वरना मैं अभी कह रहा हूं कोई इच्छा मत रखो, एक इच्छा रखो, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि, क्योंकि यदि हम ऐसा मांगते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त अपने आप हो जाता है। ये अब आप कहेंगे मुझे तो साहब इतना भी नहीं, और भी ऐसा करना है, आज का जादू बिल्कुल महाजादू बन जाए। यदि आपका वो महाजादू जब होगा, जब आपको तत्वों की पहचान होगी, तो वास्तव में एक बार करोगे तो हो जाएगा। तत्व अभी हम कल से प्रारंभ करेंगे, आज तत्व नहीं, तो आज के हम इस विषय को, यहीं उठने का तरीका सबको आ गया, ऐसा कौन है जिसे नहीं आया, आपको नहीं आ पाया, मैं 1 मिनट में समझा देता हूं। तिथि का घोटने की चीज है, उसमें कुछ समझने का है ही नहीं। 3 दिन शुक्ल पक्ष के, 3 दिन चंद्र स्वर अल्टरनेट, तीन तीन तिथियों में सूर्य चंद्र अंतर, फिर सूर्य कृष्ण पक्ष में। अरे भगवान उल्टा चलता है यदि, तो आपके लिए करना क्या है, जो पहले तो स्वर परिवर्तन करने की कोशिश करो, ठीक है। जो स्वर नहीं है वो स्वर लाने की कोशिश करो, वैसे नहीं आए तो फिर जो स्वर चल रहा है वही कदम उसी दिशा में, फिर आप क्या करेंगे। 1 मिनट, क्वेश्चन जरूर इनका वो था लेकिन जरूरी भी था। यदि आपका तिथि के अनुसार स्वर नहीं आया है तो फिर इस पूरी प्रोसीजर को जरूर फॉलो करना, कौन सी वाली, दिशा की, कदम की, इच्छा की, सब कुछ की। तो आपका दिन करके तो देखो, फिर मुझे लिखो कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मुझे आप, आपका ग्रुप तैयार हो गया है, उसमें आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा कि आपने क्या गलती कर दी, क्योंकि भगवान की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती, ये मेरी वाणी नहीं है, मैं तो उनका जो लिखा हुआ है पढ़ के आपको सुना रहा हूं, कर रहा हूं।